इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका बेब जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हम यहां पर जवाब दे रहे हैं। सो बेब जी की काउंसलिंग क्योंकि अब आगे होने वाली है, सो यहां पर राउंड फर्स्ट होता है, राउंड टू होता है, राइट? राउंड फर्स्ट मतलब पहले राउंड में जितनी भी सीटें आती है सारी की सारी आती है, फिर जो सीटें बचती हैं 100 सीटों में से मान लीजिए 50 सीटें बची, किसी कारण पर बच्चों ने रिपोर्ट नहीं करा, तो ये राउंड टू में जाएगी। लेकिन राउंड टू के बाद भी कोई बच्चे कैंसिल कराना चाहते हैं या कैंसिल हो गई है, जो सीटें बची हैं वो यहाँ पर राउंड थ्री या मोपअप में जाती हैं। मोपअप राउंड में आप लोग यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। अब इसका देखो ये क्या फायदा होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोपअप राउंड क्या होता है? सो मोपअप राउंड ऑप्शनल है सबके लिए। क्या है? ऑप्शनल है। अगर आप राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकेंड में आपको एक कॉलेज की एक्स वाई जेड ब्रांच मिल गई है और आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब आपको चिंता है, अब आपको लग रहा है कि यार मुझे अब एक शायद इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाती तो, क्योंकि देखो यार सेटिस्फाई कभी नहीं होता, अपनी बीवी किसी को पसंद नहीं आती तो सेम थिंग, अपने परसेंटेज भी किसी को पसंद नहीं आते, तो अगर तुम्हें कोई अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी तो भी तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। सो कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसको जरा सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मोपअप राउंड का? यह क्लियर मेंशन है कि देखो मोपअप राउंड सबके लिए नहीं है लेकिन सबके लिए है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब कंपल्सर नहीं है कि आप मोपअप राउंड लो ही, लेकिन ऑप्शनल सबके लिए कि भैया तुम्हें लग रहा है कि मेरे नंबर उतने थे कि मुझे और बेटर ब्रांच मिल सकती है, बेटर कॉलेज मिल सकता है, तुम्हें मोपअप राउंड में जाओ, किसने रोका है? लेकिन जाने से एक बात याद रखना कि हो सकता है कि मोपअप राउंड में जब तुम वहां पर चॉइस करो तो वही चॉइस करो जिसमें तुम्हारी जो पहले तुम्हें ब्रांच में मिल चुका है, जो पहले तुम्हें सीट मिल चुकी है राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में, उससे अच्छी हो। ऐसा ना हो कि मोपअप राउंड में, यहां पर देख ली क्लियर मेंशन है कि 200 फीस रहेगी मोपअप राउंड में, अगर आपने एक बार मोपअप राउंड ले लिया तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, फिर से बदल नहीं सकते, राइट? ऐसा ना हो कि मेरा फर्स्ट राउंड में यहां पर तो मुझे एक्स वाई जेड सीट मिल गई थी, राउंड फर्स्ट में मुझे क्या मिला, एक्स वाई जेड किसी कॉलेज की सीट मिल गई थी, मान लीजिए जाधवपुर की बात करते सीएस मिल गई थी, मैंने सीएस में यहां पर ले भी लिया एडमिशन, रिपोर्ट सपोर्ट भी कर दिया, फीस भर दी, लेकिन अब मैं मोपअप राउंड में बैठा भैया मेरा दिमाग चला कि यार देखे तो क्या मिल रहा है। तो आपने अगर मोपअप राउंड में आप जा रहे हो तो वहां पर क्या आपको याद रखना है कि मोपअप राउंड मुझे कब करना है, कब करना है, जब आपको इससे बेटर सीट कोई चाहिए हो, राइट? अगर आपने मोपअप राउंड में भरा और आपको जो भी मिल गया मोपअप राउंड में, जो आपने भरा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हर कुछ मिल जाएगा, वो लाइन ऐसे ही आप मन घड़न दे देंगे, जो आप भरोगे वो देंगे, राइट? सो उसमें से अगर मिल गया तो ये सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी जो आपको पहले राउंड में मिली थी। अब आप यहां पर ये नहीं बोल सकते नहीं एक काम करो सर वो ही दे दो, सर करियाई पे लट उठा के और देंगे, तो फिर आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको वही सीट लेनी पड़ेगी, उसी सीट में भरना पड़ेगा जो आपने कर दिया। सो इसको हम डिटेल में भी बनाएंगे वीडियो सारी चीजें, इसलिए मैं आपको एक डेडिकेटेड ऐप लेकर आ रहा हूं, एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जिस टाइम पे तुम ये देख रहे होगे तो जाओ जाके उसको डाउनलोड साउनलोड कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा कोर्स बनाया कि कैसे यूज कर सकते हो मोपअप राउंड को और चॉइस फिलिंग कैसे भरोगे, किस रैंक में किस हिसाब से, तो वो देख के ही करना। दूसरा, टेलीग्राम का एक चैनल हमने बना दिया है कि आप उस टेलीग्राम के चैनल के बदौलत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर वो ही दिया है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट इफ सी इज अलाउड इन न्यू सीट मोपअप राउंड में अर्लियर सीट, जो इससे पहले सीट मिली थी, ये देखिए एडमिशन इट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं और यहाँ पर ये भी दिया गया, देयर विल बी ओनली वन मोपअप राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड फाइनल राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय बेब जी। तो एक ही राउंड होगा और ये फाइनल राउंड हो रहा होता है। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक हमारा ये रहेगा जब हम आ रहे होंगे, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर मोपअप राउंड, तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, राइट? सो अभी भी हम आपको इसके बारे में भी समझा देंगे, सारी चीजें करेंगे। सो बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छे, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।